वेलकम टू गेंटो डिपार्टमेंट ऑफ फोर्स। गेंटो पे आपका स्वागत है, गेंटो पे आपका स्वागत है। ये पहाड़ी रास्ता है और सीधा ऊपर 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 ऐसा ढलान है, तो ढलान पे गाड़ियाँ चढ़ाना पड़ता है। Morning from Ravangla South Sikkim, and today we are going towards Gangtok। तो इसका थोड़ा सर्विसिंग भी करना है, और इसका ना जो ये 584 किलोमीटर चल चुका है, आप लोग देख सकते हो, तो इसका सर्विसिंग भी करना है। और थोड़ा गैंगटॉक में एक आज का व्लॉग भी बनेगा और इसका सर्विसिंग व्लॉग भी बनेगा। तो इफ़ यू आर न्यू ऑन माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड इस वीडियो को पूरा देखना। तो सुबह का अभी 6:30 AM, तो पूरा धूप आ गया। 6:30 AM में भी कितना सारा धूप आ गया। तो एंड आज ना बहुत ठंड है, ठंड की हुई है पता है। और रविन भी आज आ गया, इस रविन, एंड आज क्यों ठंड है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि यहाँ से जो दिखाई दे रहा है ये पूरा हिमाल है, मुस्कुराते हुए हिमाल देखो। तो हम लोग ऐसे ब्यूटीफुल नज़ारे, ये रावंगला से थोड़ा इधर का व्यू है और यहाँ से पूरा हिमाल दिख रहा है। तो बहुत ठंड है, हम लोग जा रहे हैं अभी, तो मिलते हैं रास्ते पे। इसका सर्विसिंग भी करना है और उसका भी सर्विसिंग करना है। तो इफ यू आर न्यू ऑन माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। सो सी यू इन रोड। पता नहीं कैमरा पे नज़र आ रहा है या नहीं, लेकिन ये 7 बजे का ना हिमाल मुस्कुराते हुए दिखने का मजा है। उत्साह है, सूरज रावंगला साउथ सिक्किम, ये मॉर्निंग का व्यू है। अभी सन राइज हो रहा है तो देखने में बहुत बढ़िया। यहाँ से नीचे जाओगे तो जंगल सिंगम और ऊपर से नामची होके जा रहे हैं हम लोग। यहाँ से सिंगम 38 और रानीपुर 55, लगभग यहाँ से 80 किलोमीटर ऐसा ही जाना पड़ेगा, और 80 से भी थोड़ा ज़्यादा ही पड़ेगा, क्योंकि ये रास्ता से रावंगला से नामची और नामथांग रामपुर होके जाने से ना रास्ता बहुत अच्छा है। और जो नीचे यांगिंग होके किया तो उधर का रास्ता थोड़ा ख़राब है, बहुत ख़राब है, थोड़ा नहीं बहुत ख़राब है, और बाइक में थोड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है, इसीलिए मैं दूसरा रास्ता दिखा रहा हूँ। थोड़ा लंबा तो है फिर भी ये रास्ता ही थोड़ा अलग है। टू वर्ड्स फॉर राइडर, जब भी आप लोग राइड करते हो, जैसे लॉन्ग राइड और छोटा भी राइड, जहाँ भी हो, घर से ऐसे थोड़ा घूमने के लिए निकले हो, तो फिर भी आप लोग के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ,
प्लीज वेयर प्रॉपर गियर लाइक हेलमेट कम से कम 1000 से ऊपर का ही पहन लो, क्योंकि थोड़ा आपको सेफ्टी मिलेगा। जब भी गिरोगे तो आपका सर पे वो हेलमेट ना आपको थोड़ा बचा के रखेगा। और ग्लोव्स भी थोड़ा अच्छा ही पहन लो। अच्छा तो क्या 400 से मिलेगा ग्लोव्स भी आप लोगों को, जैसे कि यहाँ पे ऊपर में ना ये हॉट मेटल के बना हुआ होता है, ये तो प्रो राइडर का ग्लोव्स है, मैं जो पहनता हूँ ये है प्रो राइडर का ग्लोव्स। और ये दिन में भी काम पड़ता है, थोड़ा थोड़ा ठंड तो लगता है फिर भी ये बारिश से बचाता है। और ये ग्लोव करीब हम आपको 1200 से ऊपर ही पड़ेगा, लेकिन मुझे थोड़ा डिस्काउंट मिला था तो 1200 में लिया था मैंने। और ऑलवेज वेयर शू एंड जैकेट, जब भी आप लोग राइड करते हो ना तो बिना जैकेट मत राइड करो, क्योंकि आप लोग इस जैकेट पहन के राइड करते हो तो जैकेट से आपको क्या होता है कि आप कहीं भी गिरोगे तो वहाँ पे ना आपको जो गिरने से जैसे स्लाइड हो गया तो वहाँ पे थोड़ा बचा के रखेगा जैकेट से। तो ऑलवेज वेयर जैकेट हेलमेट एंड जो होता है ग्लोव्स। मैं आज बस सर्विसिंग करने जा रहा हूँ तो 604 किलोमीटर हो चुका है। मैं जब घर से निकला था तो 584 किलोमीटर ऐसा ही था, और हम लोग यहाँ पे पहुँच गया, इसको बोलता है राइन बस्ती। यहाँ पे घर है, एकदम ब्यूटीफुल प्लेस है ये राइन बस्ती, एक सुनसान सा जगह। जब भी आप राघुमला से नामची के बीच में हो तो यहाँ पे देख लो, एकदम सुनसान सी जगह ऐसे, ये ऊपर में पेड़ और ये ठंड में ऐसा ही पेड़ होता है ना रिलीडेंस पे। तो ये घर है, दो चार घर ना ज़्यादा है, लेकिन एकदम शांति सा जगह है ये, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे ना सुनसान सा जगह है। नाइस प्लेस। यहाँ से भंजन रोड जा रहा हूँ मैं, यहाँ से भी जाएगा भंजन रोड। और भंजन होके नामथांग होके नया नामची, और नामची से ये रोड जाना पड़ेगा नामथांग भंजंग की ओर जाना पड़ेगा, भंजंग से नामथांग ऐसे होते जाना पड़ेगा। लेना पड़ेगा नामथांग की ओर, नामथांग पता नहीं मेरे का रास्ता को मालूम है रजन से, तो यहाँ से जाना पड़ेगा ये भंजंग टॉप सिक्किम। यहाँ से जाना पड़ेगा नामथांग, हम लोग निकल चुके हैं नामथांग की ओर। ओहो ये रास्ता फोंगला, दामथांग से फोंगला, फोंगला से नामथांग, ऐसा ये फोंगला था, ये जो भी था फोंगला था। तो मैं हम लोग जा रहे हैं अभी नामथांग की ओर। ये नामथांग बाजार है, और यहाँ से कुछ नामथांग से बोल रहा है कि रामपुर 24 किलोमीटर यहाँ से,
देखेंगे। हम लोग अभी जा रहे हैं, इस सिक्किम साउथ सिक्किम ख़त्म हो गया। तो ये है रामपुर का ब्रिज और ये स्टाफ, और हम लोग जा रहे हैं अभी। राइट हो रिच हेयर एट रानीपुर, ये रानीपुर है और हम लोग सिंकम से होके रानीपुर पहुंच गया अभी। तो यहाँ पे ना बहुत गाड़ियाँ होता है क्योंकि सिक्किम का सबसे बड़ा पॉपुलेशन इस सिक्किम में है। तो चारों डिस्ट्रिक्ट में कंपैरिजन एज कंपैरिजन टू थ्री डिस्ट्रिक्ट इससे ज़्यादा लोग रहते हैं। जैसे कि कोई जॉब के लिए इधर आता है, कोई अनएम्प्लॉयड है तो कोई जॉब के लिए इधर ही आता है। तो सब लोग इस सिटी में रहता है, इसीलिए यहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादा होता है, जाम होता है। और जो तो ये है रानीपुर, और यहाँ के ऊपर यहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादा, इसीलिए ताकि सब लोग जॉब। तो उधर जाम शुरू हो गया नीचे का ऊपर का भी। रविन कहाँ गया रे? गैंगटॉक डिपार्टमेंट ऑफ गैंगटॉक पे आपका स्वागत है। और सीधा ऊपर 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 ये गैंगटॉक का फोर्ट, लुक एट दिस व्यू। यहाँ से 10 किलोमीटर है गैंगटॉक। गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड आज का ब्लॉग। तो गाइस आज का ब्लॉग इतना ही होने वाला है। यह है गैंगटॉक सिटी। तो अभी सब सर्विसिंग वगैरह हो गया और टाइम हो रहा है 2:58 PM। तो आज का ब्लॉग इतना ही होने वाला है। बस डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो। आपका एक कमेंट से मुझे मोटिवेट मिलता है, तो कमेंट भी करो। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो।